दिस इज चंदन गौतम एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मॉडल्स इन इंग्लिश ग्रामर राइट नाउ लेट अस सी दिस वर्ड दिस इज अ वेरी कॉन्ट्ररी वर्ड फ्यू ऑफ द पर्सन फ्यू ऑफ द पीपल प्रोनाउंस इट मॉडल्स एंड फ्यू ऑफ द पीपल प्रोनंशिएटेड मॉडल्स ठीक है तो यहां हमें यूज क्या करना है बोथ द प्रोनंशिएशंस आर करेक्ट मॉडल्स एज वेल एज मॉडल्स राइट सो इन दिस टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट मेजरली 10 मॉडल्स दैट वी विल लुक हियर फर्स्ट वन इज कैन सेकेंड वन इज कुड कैन एंड कुड थर्ड वन इज मे एंड विद द सेम माइट मे एंड माइट राइट फिफ्थ वन इज मस्ट राइट सिक्स वन इज विल इसी के साथ हमें देखना है वुड राइट नेक्स्ट वन इज शैल एंड विद द सेम शुड शुड राइट एंड द लास्ट वन इज ought to राइट दीज आर द मेजर मॉडल्स दैट वी यूज इन इंग्लिश ग्रामर राइट सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दिस कैन दैट वॉट आर द यूजेस हाउ कैन वी यूज कैन इन दिस सेंटेंसेज एज पर द करेक्टनेस ऑफ द ग्रामर राइट सो यहां हम बात करेंगे आज कैन के बारे में और थोड़ा सा हम आइडिया देखेंगे मे का बिकॉज कुछ पॉइंट्स के ऊपर हम इनमें सिमिलरिटीज भी देखें सो लेट्स स्टार्ट यूज ऑफ कैन यूज ऑफ कैन ठीक है द वेरी फर्स्ट थिंग कैन इज यूज्ड टू शो द पावर कैन इज यूज्ड टू शो द पावर दैट मीन्स एनी ऑफ द प्लेस वेर वी वॉन्ट टू शो आर पावर फॉर एन एग्जाम्पल लेट सपोज मैं एक हट्टा कट्टा सा इंसान हूँ आई एम अ वेरी पावरफुल मैन या फिर एक कोई छोटा बच्चा होगा उसको मैं क्या कर सकता हूँ आई कैन बीट हिम तो इसके अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ आई कैन बीट हिम ठीक है तो कैन यहाँ पे क्या हुआ बीट क्या है वो छोटा जो बच्चा है उसको मैं क्या शो कर रहा हूँ अपनी पावर शो कर रहा हूँ दैट मीन्स टू शो द पावर वी यूज कैन एज अ मॉडल वर्ब ठीक है सेकेंड थिंग टू शो द एबिलिटी टू शो द एबिलिटी फॉर एन एग्जाम्पल एबिलिटी की बात करूँ मैं कोई काम कर सकता हूँ वो मेरी एबिलिटी है फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ आई कैन कंप्लीट माई होमवर्क विद इन 2 hours इफ आई टॉक अबाउट अ स्टूडेंट आई कैन कंप्लीट माई होमवर्क विद इन 2 hours ठीक है या फिर मैं एग्जाम्पल दूं लेट सपोज आई एम हैविंग अ वेट ऑफ अबाउट 50 kg ठीक है तो इफ आई से आई कैन लिफ्ट इट व्हाट इट इज माय एबिलिटी टू लिफ्ट दैट 50 kg वेट बात समझ आई तो कैन का यूज हम कहाँ करते हैं एबिलिटी को शो करने के लिए बात समझ आई थर्ड पॉइंट
जहाँ पे हम सिमिलरिटी चेक करेंगे किसमें, कैन और मे के अंदर, कि उसकी सिमिलरिटीज क्या क्या हैं, उनमें क्या पॉइंट्स हैं जो कॉमन है। ठीक है, फॉर दी परमिशन। ठीक है, परमिशन के लिए देखो, परमिशन के लिए हम दोनों ही वर्ड्स यूज करते हैं। ठीक है, बट द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ द वर्ड्स, इफ आई टॉक अबाउट दिस वर्ड मी, मे इज अ फॉर्मल वर्ड, मे इज अ फॉर्मल वर्ड दैट वी यूज फॉर द परमिशन। या मैं बात करूं, इफ आई वॉन्ट टू आस्क फॉर समथिंग, ठीक है, अगर मुझे परमिशन लेनी है इन अ वेरी पोलाइट मैनर, फॉर एन एग्जाम्पल, वेन यू ऑल स्टूडेंट एंटर इन टू द क्लास रूम, देन वॉट यू से, मे आई कम इन मैम और मे आई कम इन सर, तो दैट मीन्स वॉट डज इट शो, अ पोलाइट रिक्वेस्ट टू अ पोलाइट मैनर फॉर द रिक्वेस्टिंग पर्पज, राइट। तो मे का यूज कहाँ करना है, परमिशन लेने के लिए हमसे बड़े या फिर एक फॉर्मल वे के अंदर। बात समझ आई? ठीक है, नाउ वी डिस्कस अबाउट दी कैन। फॉर टेकिंग परमिशन कैन इज यूज टू गिव दी परमिशन। जैसे ही हमने बोला कि मे आई कम इन सर, तो वॉट वुड योर टीचर आंसर, यस यू कैन। या मैं बात करूं, हमने किसी को बोला, इफ आई से टू माई फादर, पापा कैन आई, पापा मे आई यूज योर फोन, मे आई यूज योर सेल फोन, तो वॉट वुड ही आंसर यू, यस यू कैन। मतलब वो क्या कर रहे हैं, हमें परमिशन दे रहे हैं। तो कैन का यूज हम क्या कहाँ करेंगे, परमिशन देने के लिए। कैन का यूज हम कहाँ करेंगे, परमिशन देने के लिए। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट जहां पे हम किसका यूज करते हैं, कैन का यूज करते हैं। कैन का यूज हम करते हैं किसी भी पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए, किसी भी पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए। किस तरीके से हम लिखते नहीं, हम सुनिएगा, कैन को हम यूज करते हैं पॉसिबिलिटी के लिए। फॉर एन एग्जाम्पल मैं बात करूं, इट कैन बी अ डॉक्टर ऑन द रोड। ठीक है, अब वो कोई केमिस्ट भी हो सकता है, वो डॉक्टर भी हो सकता है। अगर मैं बात करूँ, किसी को मैंने व्हाइट एप्रीन के अंदर देखा रोड के ऊपर, तो मैं कन्फर्मली प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि वो डॉक्टर होगा या केमिस्ट होगा या कोई कंपाउंडर होगा व्हाइट एप्रीन पहने हुए। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो क्या होगा, एक डॉक्टर होगा। ही कैन बी अ डॉक्टर और ही कैन बी अ कंपाउंडर या केमिस्ट। ठीक है, तो वहां मैंने क्या किया, एक पॉसिबिलिटी शो करी। बात समझ आई? तो कैन का यूज हमने कहाँ कहाँ किया, पावर के लिए, एबिलिटी शो करने के लिए, परमिशन के लिए और पॉसिबिलिटीज के लिए। ठीक है, फिर बात करूं और कहाँ पे यूज हो सकता है कैन का, तो कैन का हम यूज कर सकते हैं कहाँ पे, हैबिट को शो करने के लिए। कैन का यूज हम कहाँ कर सकते हैं, हैबिट को शो करने के लिए। ठीक है, हैबिट को शो करने के लिए। फॉर एन एग्जाम्पल, हैबिट प्लस एक और वर्ड यहां पे लिखते हैं हम, हैबिट एंड नेचर, हैबिट एंड नेचर। एक एग्जाम्पल से देखते हैं इसको, मैंने एक एग्जाम्पल लिया, एन ऑनेस्ट मैन कैन नॉट हार्म टू एनिमल्स। ठीक है, तो ये जो है कि वो हार्म नहीं कर सकता, ये जो मैंने इसके अंदर वर्ड लिखा कि वो हार्म नहीं कर सकता, ये क्या शो कर रहा है, उस ऑनेस्ट मैन का। या मैं बात करूं, ऑनेस्ट नहीं लिख के मैं यहां बोलूं अ काइंड मैन, अ काइंड मैन, तो ये काइंडनेस क्या कर रही है, उसके नेचर को शो कर रही है। बात समझ आई? तो नेचर को शो करने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, कैन यूज करते हैं वहां पे। गॉट इट? अब बात करूं हैबिट के लिए। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं, मैंने क्या लिखा है यहां पे,
आई कैन वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, राइट। तो यहाँ क्या है, मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ तभी बोल सकता हूँ जब मुझे क्या हो, इट इज़ इन माई हैबिट कि मैं अर्ली इन द मॉर्निंग, या मैं बोलूँ एट 4 AM, एट 4 AM आई कैन वेक अप। दैट मीन्स इट इज़ इन माई हैबिट टू वेक अप एट 4 AM इन द मॉर्निंग, राइट स्टूडेंट। सो इट इज़ ऑल अबाउट द यूज़ ऑफ कैन, राइट। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क और वी विल समरअप इट हियर। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल सी द यूज़ ऑफ कुड एंड रिमेनिंग अदर मॉडल्स। ओके क्लास, टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे।